हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में हम आज क्या सीखेंगे? देखिए, एक्सेस में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक हम डिजाइन करेंगे। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले व्यू पे जाइए और यहां से मैं लिख देता हूं SI, ठीक है। SI यहां पे लिख दिया और एंटर कर दिया ताकि SI के नाम से सेव हो जाए टेबल, ठीक है। अब यहां पर प्राइमरी की है तो मैं प्राइमरी की को, देखिए SI का फॉर्मूला जो होता है ना वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट PRT होता है, PRT/100। तो यहां पर R का मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां पे मैं लिख देता हूं RATE, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये लिख दिया मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया। और इसको मैंने रख दिया यहाँ पे नंबर डेटा टाइप रख दिया। और चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में भी हो सकता है तो यहाँ पर इसे बना देता हूँ मैं डबल बना दूंगा, तो हम डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाएंगे। और यहाँ पर आकर के आपको एक काम करना है, फॉर्मेट इसका बना देना है परसेंट, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेट परसेंट जरूर बना लीजिएगा। और अब यहाँ पर बात करते हैं P यानी प्रिंसिपल अमाउंट की। तो ये लिखा मैंने प्रिंसिपल, यहां पर आएगा नंबर, ठीक है। तो यहां पे नंबर ही रखना है आपको। और फिर यहां पे टाइम की बात करेंगे तो यहां पर लिख देता हूं TIME टाइम। तो टाइम जो है यहां पर हम रखेंगे मंथ्स में, तो यहां नंबर कर सकते हैं। तो यहां पर कर लेता हूं SI एक फील्ड और यहीं पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 यूज कर रहा हूं, तो यहीं पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करना है। और जैसे कैलकुलेटेड डेटा टाइप लेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाती है। अच्छा, अब अगर आपके पास 2007 होगा तो क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और एक क्वेरी बना लेंगे। और उन क्वेरीज के अंदर, उस क्वेरी के अंदर इन सारे फील्ड्स को इंक्लूड कर लेंगे और फिर यही कैलकुलेशन वहां से आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसी विंडो को मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो गया हमारा। अब यहां पर क्या करना है आपको, सिंपली सबसे पहले क्या करना है, देखिए SI हमको कैलकुलेट करना है। तो SI PRT/100 होता है, तो P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमें यहां पे लिखना है प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप लिख दो। और इनटू, अब R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको भी जस्ट ऐसे ही लिख देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया। और PRT हो गया। अब PR, अब T की बात कर लेते हैं, T यानी टाइम, तो टाइम यहां पे कर लेते हैं TIME एक टाइम एक फील्ड मैंने दिया हुआ है, तो यहां पे लिख दिया टाइम अपॉन 100 कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, SI कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो बस हो गया ये। और अब यहां से आपको क्या करना है, होम पे जाना और व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहां पर कह रहा है देयर आर कैलकुलेटेड कॉलम इन दैट टेबल That is depend column rate of interest, तो yes कर दीजिए। तो बस हो गया काम यहाँ पर। तो यहाँ पर rate of interest आपको देना होगा, SI calculate किया है, तो यहाँ पे मान लीजिए 6% मैं देता हूँ, ये 6% हो गया। और यहाँ पे principal amount कर दिया 10,000, तो ये देखिए ये लेकर 10,000। और जैसे ही 10,000 करेंगे तो यहाँ पर आपको time देना है, और time देने के बाद आपकी सारी चीजें calculate हो जाएंगी। जैसे 2 months कर देते हैं, ये months में मैंने दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 months करते हैं तो यहाँ पे देखिए SI जो है सिंपल इंटरेस्ट आपका 12 रुपए कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप चेंज करते हैं, चेंज कर देते हैं, टाइम चेंज कर देते हैं, 24 months कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट अपने आप चेंज हो गया है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डेसिमल में भी एंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 5, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया मैंने 12.8%, तो ये देखिएगा कि 12.8% भी ये ले लेगा। और फिर यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। कोई दूसरा अमाउंट डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 6.88% कर दिया मैंने, और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 1 लाख, तो ये हो गया 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कर दिया है 14 मंथ, तो यहाँ पे 963 रुपए SI आएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी करके देखते हैं, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ मैं 18.5%, ये ब्याज है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पर अमाउंट कर देता हूँ 10 लाख रुपए, यहाँ पर मंथ कर देता हूँ 24 मंथ्स, तो 24 मंथ्स करेंगे तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा 44,400 रुपए ब्याज आया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं।